हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू, ह्यूमन सिस्टम का पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट सेकंड तक अपन ने ह्यूमन सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पूरी कर ली थी और डाइजेस्टिव ग्लैंड में से दो ग्लैंड अपन ने कर ली थी। कौन कौन सी कर ली? पेनक्रियाज हो गई अपन ने, और कौन सी हो गई थी साथ में दूसरी अपन ने कौन सी की थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो तीसरी ग्लैंड से अपन स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, लीवर। और लीवर के बारे में जो पहली लाइन है उसी में सबसे पहला क्वेश्चन है। आपके बुक के पीछे भी दे रखा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, तो लीवर ही है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी की, तो अभी लीवर ही है। मोस्ट वाइटल ऑर्गन और ग्लैंड भी यही है। अब मोस्ट वाइटल का क्या मतलब है? देखो, यहां पर लीवर के कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन बॉडी में लीवर करीब 100 से 200 ऐसे फंक्शन परफॉर्म करती है जो जीने के लिए जरूरी हो। मतलब लाइफ सस्टेनिंग 100 से 200 फंक्शन क्या परफॉर्म करती है लीवर। यही वजह है कि लीवर बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अपनी ओवरऑल हेल्थ लीवर पे बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लीवर जो होता है उसे ऐसे देखने पर लगता है कि उसमें दो लोब है। जैसे मान लो ये लीवर का डायग्राम है, तो ये और ये कितने लोब दिख रहे हैं? दो लोब दिख रहे हैं, एक राइट लोब और एक क्या होगा, लेफ्ट लोब। लेकिन जब इसे बॉटम से देखते हैं तो इसमें दो लोब और दिखाई देते हैं। ठीक है, और लीवर किसका बना होता है ओवरऑल पूरा? तो लीवर हेक्सागोनल, बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। हेक्सागोनल तो आप समझते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बने होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, लीवर लोब्यूल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम बताओ, तो वो कौन सा होगा? लीवर लोब्यूल होगा। ये लीवर लोब्यूल खुद भी बहुत सारी सेल का बना होता है, क्योंकि हर चीज किसकी बनी होती है? सेल की। और उन सेल को क्या कहते हैं? हिपेटिक सेल। क्या कहते हैं? हिपेटिक सेल। और जो क्या प्रोड्यूस करती है? बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। यहां पर जो लाइन है उस पर फोकस कर। बाइल जूस जो होती है वो सिक्रेट तो कौन करती है? लीवर। लेकिन वो स्टोर कहां रहता है? गॉल ब्लेडर में। ठीक है, ये देखो, ये लीवर है और ये गॉल ब्लेडर है। लीवर में सिक्रेट होता है लीवर से, और गॉल ब्लेडर में स्टोर रहता है। जरूरत पड़ने पर ये दोनों से एक साथ भी निकल सकता है। अभी अपन इसको भी समझेंगे अच्छे से। ठीक है, पोजीशन का है लीवर की, तो देखो याद करो, मैंने बताया था कि अपनी बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने वाला कौन था? डायफ्राम। और इधर अपर लेफ्ट में क्या था अपने? स्टमक। और यह अपर राइट में क्या होगा? लीवर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या होता है? ऑन अपर राइट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सिक्रेशन। ये क्या सिक्रेट करता है? तो लीवर जो है बेसिकली क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस। तीसरा देखते हैं फंक्शन। अब ये जो लीवर, अपन यहां पे लीवर का सिर्फ वही फंक्शन यहां पर देख रहे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा लीवर के बहुत सारे फंक्शन है, अभी अपन उस पर फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं। तो डाइजेशन में लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। इसको भी समझाता हूं आपको। देखो, जैसे ऑयल जो होता है, अगर मेरे को उसको छोटे छोटे, देखो डाइजेशन करने से पहले अपन फूड के कंपोनेंट को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। लेकिन ऑयल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे डिवाइड करेंगे? तो ऑयल का क्या किया जाता है? इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन को ऐसे विजुअलाइज करने का एक तरीका बताता हूं। अगर अपन ऑयल ले और उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के ऐसे मस्त हिला ले, तो छोटे छोटे से ड्रॉप टाइप बन जाएंगे ऑयल के दूर दूर, उसको कहते हैं इमल्सिफाइड। ठीक है, तो वैसे ऑयल को ड्रॉप के फॉर्म में या फैट को ड्रॉप के फॉर्म में तोड़ने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। तो फैट बाइल जूस क्या करेगा? उसके ग्लोब्यूल्स बना देगा फैट के छोटे छोटे, जिसको क्या कहेंगे? इमल्सिफाइड फैट। जब तक ये इमल्सिफिकेशन नहीं होता, फैट का डाइजेशन नहीं होता। यही वजह है कि अपन ने गैस्ट्रिक ग्लैंड या स्टमक तक कोई भी फैट का डाइजेशन नहीं किया। अब फैट डाइजेस्ट होना शुरू करेगी, क्योंकि जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होता, फैट अच्छे से क्या नहीं होती? डाइजेस्ट नहीं होती। तो अगर अपन को बाइल जूस का फंक्शन पूछे, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। क्या करता है? ये फैट को ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करता है। बेसिकली क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए? डाइजेशन के लिए। एक चीज और याद रखना, ये बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ मिक्स होकर उसका इमल्सिफिकेशन करता है। ये फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, डाइजेशन करने के लिए इमल्सिफाइड करता है, ताकि आगे डाइजेशन हो। एक क्वेश्चन भी आता है कि वो डाइजेस्टिव जूस का नाम बताओ जिसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो कौन सा है? बाइल जूस। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो, आगे बढ़ने से पहले अगला टॉपिक अपने पैनक्रिया, पहले अपन देख लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है। तो देखो, लीवर और पैनक्रियाज दोनों जो है वो अपना सिक्रेशन डालती है ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को।
आपको अच्छे से याद हो तो ये अपने लीवर होता है, यहां पर अपने क्या होती है स्टमक, उसके बाद यहां पर क्या आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन आ जाता है ड्यूटेनम, और यहां पर क्या होता है पैनक्रियाज। तो ये लीवर भी अपना सिक्रेशन यही डालती है और पैनक्रियाज भी अपना सिक्रेशन किसमें डालती है, सी शेप को, यू शेप को, जैसा भी शेप आप बोलो उसमें डालती है। तो अपन उसको समझते हैं, तो देखो अच्छे से देखना, अच्छे समझ में आए। ये लीवर के दो ग्लोबी वो लोब है, तो दोनों लोब से एक एक डक्ट निकलती है, इन डक्ट को कहते हैं राइट से निकलती है वो राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट से निकलती है वो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। फिर ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाती है, ये मिल गई दोनों, ये वाली इधर से मिल गई। अब मिलने के बाद इसे कहते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कॉमन हिपेटिक डक्ट से एक डक्ट इधर की तरफ जाती है जिसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। इस सिस्टिक डक्ट से बाइल जूस यहां से होता हुआ गॉल ब्लेडर में भी जाता है और जरूरत पड़ने पर गॉल ब्लेडर से वापस निकलता भी है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, सिस्टिक डक्ट। फिर ये कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, जिसे खाली बाइल डक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे बाइल होता हुआ आगे बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉल ब्लेडर क्या है, जहां लीवर क्या करता है सब दिन बाइल जूस बनाता है, लेकिन अपन को बाइल जूस की ड्यूडेनम में नीड कब होगी, जब फूड आएगा। तो जब फूड नहीं होता उस समय क्या करता है लीवर, क्या करता है जो बाइल जूस सिक्रेट करता है वो कहां डालता रहता है, गॉल ब्लेडर, ठीक है। और जब फूड आ जाता है तो उस समय गॉल ब्लेडर से भी निकलता है, इससे भी निकल के आगे चला जाता है। ये होगी कॉमन बाइल डक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर पैनक्रियाज भी होता है, तो पैनक्रियाज से ये जो निकल रही है वो है पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या होती है, पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती है, कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब ये कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से बाइल जूस भी आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, और किसमें जाके खुलता है, ड्यूडेनम में। और यहाँ ड्यूडेनम में खुलने की जगह पर एक स्फिंक्टर भी होता है, आपकी बुक में नाम नहीं है, मैं नाम भी बता देता हूँ, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, ठीक है। और स्फिंक्टर के अपन फंक्शन जानते हैं, ठीक है, कंट्रोल करता है फ्लो को। नेक्स्ट अपन लेते हैं पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज करने से पहले आपको एक टाइम आ गया आपको कुछ और टॉपिक बताने का। एक चीज होती है ग्लैंड, देखो बार बार वर्ड आ रहा है ग्लैंड, तो ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड बेसिकली सेल और सेल का ग्रुप होती है जो कुछ ना कुछ क्या करती है, सिक्रेट करती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। अब ये ग्लैंड दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, एक्सोक्राइन वो होगी जिसको जिसका सिक्रेशन ले जाने के लिए क्या होती है डक्ट, जैसे लीवर से सिक्रेशन ले जाने के लिए डक्ट है हिपेटिक डक्ट वगैरह, पैनक्रियाज से ये सिक्रेशन ले जाने के लिए पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ऐसी जो होती है उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके लिए डक्ट होती है सिक्रेशन ले जाने के लिए, और जिसके लिए डक्ट नहीं होती सिक्रेशन ले जाने के लिए उसे कहते हैं एंडोक्राइन। क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। फिर उसका सिक्रेशन ब्लड से होकर जाता है और उसके सिक्रेशन को अपन हार्मोन बोलेंगे, और उस पूरे सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, वो अपन इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक में करेंगे। तो बोले तो ग्लैंड कितने तरह की हुई, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन कौन सी होती है, जिसका सिक्रेशन ले जाने के लिए डक्ट होती है। एंडोक्राइन कौन सी होती है, जिसका सिक्रेशन ले जाने के लिए डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन का जो सिक्रेशन होता है उसे हार्मोन कहते हैं, एक्सोक्राइन के सिक्रेशन को जूस, एंजाइम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है बेसिकली कंपाउंड ग्लैंड है, कंपाउंड बोले या मिक्स ग्लैंड बोले, तो ये दोनों ही होती है, एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी। बोले तो इसका कुछ पार्ट ले जाने के लिए डक्ट होगी और कुछ पार्ट ले जाने के लिए डक्ट नहीं होगी। तो पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, जिसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, उसको ले जाने के लिए तो डक्ट होती है, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट। उस हिसाब से तो पैनक्रियाज कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन पैनक्रियाज दो तीन हार्मोन भी रिलीज करती है, और सबसे फेमस हार्मोन आपने शायद नाम भी सुना हो, इंसुलिन। तो उसको ले जाने के लिए डक्ट नहीं होती, इसलिए उस हिसाब से पैनक्रियाज कैसी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो देखो द पैनक्रियाज इज कंपाउंड ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, इट मींस इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। पोजीशन क्या होती है, ये मैंने अभी बोला वो सी शेप का समझे, यू शेप का समझे, जो भी है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको ऐसे सी भी देख सकते हैं कोई, क्या ये तो यू है। उस शेप का जो ड्यूडेनम होता है उसके अंदर होती है, ठीक है। सिक्रेशन क्या सिक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, जिसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज, ये सब क्या करते हैं अभी अपन रिएक्शन से देखेंगे, ठीक है। और ये तो सब सिक्रेट होता है एक्सोक्राइन पार्ट से, और हार्मोन भी रिलीज करती है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेनिन, वो कहां से रिलीज होता है, इसके एंडोक्राइन पार्ट से। इसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड में और वापस भी अच्छे से करेंगे,
नेक्स्ट है फंक्शन। तो देखो जो एक्सोक्राइन पार्ट से जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हो रहा है वो इसमें जो भी एंजाइम है वो बेसिकली क्या करेंगे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और जो हार्मोन रिलीज होते हैं बेसिकली ये तीनों हार्मोन किसके लिए है कि ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, ना तो शुगर के लेवल को बढ़ने देते हैं ना शुगर के लेवल को घटने देते हैं। अगेन मैं ये एंडोक्राइन वाला पार्ट आपको बाद में अच्छे से समझाएंगे, अभी सिर्फ अपन एक्सोक्राइन और डाइजेशन पे फोकस करेंगे। तो अभी जब मैं यहाँ पे फंक्शन में रिएक्शन लिखूंगा वो सिर्फ किसकी होगी, पैनक्रियाटिक जूस और इन सारे एंजाइम की होगी कि कौन किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन क्या करेंगे ये पैनक्रियाटिक जूस के फंक्शन की वो रिएक्शन और लास्ट ग्लैंड देखेंगे कौन सी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। पहले नोट कर लीजिए। आगे करते हैं, देखो आगे क्या है, अपने पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से वो अपने एंजाइम थे उनका क्या फंक्शन है। तो देखो काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो तीन एंजाइम थे ये तीनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अगर प्रोटीन है तो उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे, और पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज है तो इसको भी डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये दो क्या है, अगर आपने अच्छे से अभी तक के वीडियो देखे हैं तो ये दो क्या है, पेप्सिन जो था जो कि गैस्ट्रिक जूस से सिक्रेट होता था उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाया था, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज उस पर भी ये काम करते हैं, फिर उसको और आगे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और किसमें कन्वर्ट करते हैं, डाइपेप्टिडेज में, ठीक है। और स्टार्च जो होती है उस पर एमाइलेज काम करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। ऐसा कैसा स्टार्च एमाइलेज अपन ने पहले भी देखा है, सेलेवरी एमाइलेज था जिसको टाइलिन भी बोला था, उसने भी स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया था, डाइसैकेराइड में, लेकिन वहां पर इतना डाइजेशन होता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था बकल कैविटी में इतनी देर के लिए क्या नहीं रुकता, फूड नहीं रुकता। तो एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। आगे बढ़ते हैं, लाइपेज जो है जो फैट इमल्सिफाइड हो रखी है उस पर काम करेगा और उसे डाइग्लिसरीडाइड और अगर और डाइजेस्ट हुआ तो उसे मोनोग्लिसरीडाइड में कन्वर्ट कर देगा। एक होता है न्यूक्लियस, देखो हर जो अपन चीज कंज्यूम करते हैं चाहे वो अपन प्लांट ओरिएंटेड खाए या किसी एनिमल से ऑब्टेन करे, हर उसकी सेल जो होगी वो डीएनए आरएनए तो रखेगी क्योंकि हर सेल में डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उन डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस में, कौन सा, न्यूक्लियस। वो उसको पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं करता, न्यूक्लियो टाइड में कन्वर्ट कर देता। बेसिकली ये जो है ये सारे एंजाइम ने डाइजेशन को और आगे बढ़ाया, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस में जो डाइजेशन हो गया था उस डाइजेशन को और आगे कैरी किया है, मतलब उसने भी पूरा डाइजेस्ट नहीं किया था, जो आधा अधूरा डाइजेस्ट था उस पे पैनक्रियाटिक जूस काम करता है और मतलब आगे डाइजेस्ट करता है, लेकिन अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। फिर अगली ग्लैंड लेते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये फाइनल ग्लैंड है और इसका जूस जो होगा वो कंप्लीटली उन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा जिसमें अपन डाइजेस्ट करना चाहते हैं या जिस फॉर्म में अपन बनाना चाहते हैं फूड को, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट करेगा। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, इंटेस्टाइन में, और ये क्या सिक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस, और उसमें ये सारे एंजाइम होते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। ये जो एंजाइम है ये बेसिकली जो स्टार्च या जो भी कार्बोहाइड्रेट पहले जो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया था उसको आगे डाइजेस्ट करने के लिए, बेसिकली ये तीनों एंजाइम किसको है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा माल्टेज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा लैक्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा सुक्रेज। आराम से नाम याद हो जाएंगे, माल्टोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और सुक्रोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। माल्टोज कहां से आता है, जो अपन जो अनाज खाते हैं, अपन ग्रेन्स खाते हैं जो, उसको डाइजेस्ट करने से जो डाइसैकेराइड बनती है वो माल्टोज होती है। लैक्टोज कहां से आता है, मिल्क जो कंज्यूम करते हैं उसमें जो शुगर होती है, मिल्क शुगर को क्या कहते हैं, लैक्टोज। प्रीवियस वीडियो में मैंने मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका भी नाम बताया था, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखे। लैक्टोज मिल्क की क्या है, शुगर है, मिल्क शुगर को क्या कहते हैं, लैक्टोज। और सुक्रोज क्या होती है, जो अपन जनरली शुगर कंज्यूम करते हैं वो कौन सी होती है, सुक्रोज। इसे गन्ने से ऑब्टेन करते हैं इसलिए इसे कैन शुगर भी कहते हैं। तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर दूसरा होता है लाइपेज, जो इधर भी था वो का वही लाइपेज है, अगर डाइग्लिसरीडाइड है तो उसपे, मोनोग्लिसरीडाइड है तो उसपे आगे काम करके उसे फाइनली किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड में। ये प्रोटीन वगैरह जो थे वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाए थे, डाइपेप्टिडेज, इस पे डाइपेप्टाइड्स बनाए थे, सॉरी,
इस डाइपेप्टाइड पेप्टाइड्स पे डाइपेप्टिडेज एंजाइम काम करेगा। देखो बहुत आसान है, माल्टोज पे माल्टेज ए ऐसी लगा देंगे तो डाइपेप्टाइड पे काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे, डाइपेप्टिडेज, और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में। तो अपन कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना चाहते थे, ग्लूकोज में, हो गई। प्रोटीन जो था उसको अपन एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना चाहते थे, हो गई। और जो अपन ने फैट कंज्यूम की थी उसको फैटी एसिड में, वो भी हो गई। ये जो न्यूक्लियोटाइड बचा है इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेगा, और फिर उस पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा और उसे सुगर और बेस में कन्वर्ट करेगा। बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो फाइनल जो सिंपल फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, आगे क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अपन ने जितने भी एंजाइम पढ़े उसे तीन कैटेगरी में बांटना है। बेसिकली इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग को एक साथ नाम लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के और फिर फैट के। देखो प्रोटीन डाइजेस्टिंग, इस देखो बकल कैविटी में कोई था नहीं, सेलेवरी ग्लैंड से कुछ हुआ नहीं था, पेप्सिन सिक्रेट हुआ था गैस्ट्रिक जूस से, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज सिक्रेट हुआ था किससे, पैनक्रियाटिक जूस से, और डाइपेप्टिडेज किसमें था, इंटेस्टाइनल जूस में। ये सारे के सारे नाम किसके है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एग्जाम में इनके साथ इनका फंक्शन पूछते तो सबकी रिएक्शन लिख देनी। ठीक है, ये वाली जो अभी अपन लिखी थी ना, टाइलिन सेलेवरी ग्लैंड से सिक्रेट हुआ था, एमाइलेज जो था वो पैनक्रियाटिक जूस में था, माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज ये इंटेस्टाइनल जूस में थे। ये सारे के सारे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और लाइपेज ही नाम है, चाहे वो कहीं पे भी सिक्रेट हो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। अगर एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को समझाओ तो इन सबके फंक्शन लिख देना, सबकी एक एक रिएक्शन है वो सबकी लिख देनी है, टाइलिन की, एमाइलेज, माल्टोज, लैक्टेज सबकी। अगर प्रोटीन डाइजेशन को पूछे तो प्रोटीन डाइजेशन में जितने भी एंजाइम थे उन सबके फंक्शन लिख देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिजियोलॉजी ऑफ फूड डाइजेशन। ठीक है, ये फिजियोलॉजी ऑफ क्या है, फूड डाइजेशन है। ठीक है, आप पूरा लिख देना, फूड डाइजेशन है, या इसे डाइजेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। तो देखो फिजियोलॉजी में अपन को यह समझना है कि डाइजेशन होता कैसा है, तो अपन स्टार्टिंग से एंड तक के स्टेप स्टेप करेंगे। ऑर्गन वगैरह अपन सब पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। फिर उसे क्या करेंगे, टिथ से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे जिसे क्या कहेंगे, मेस्टिकेशन। फिर उसे आगे ट्रांसफर करेंगे, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर ये डाइजेस्ट होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के डिफरेंट कंपोनेंट एब्जॉर्ब होंगे, फिर जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो रेक्टम में इकट्ठा होगा और वहां से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, इसे इजेशन कहेंगे, और लास्ट में जो अपन ने फूड एब्जॉर्ब किया उसका क्या यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। ठीक है, ये सारे डिस्क्रिप्शन अभी अपन आगे करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्टेप करते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले इंजेशन। देखो इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ इन बकल कैविटी, फिर माउथ से इंटेक करने के बाद वो कहां जाएगा, बकल कैविटी में, वहां बकल कैविटी में उसका क्या होगा, च्यूइंग होगा, मेस्टिकेशन होगा, टिथ से उसको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और मिक्स किया जाएगा क्या, सेलाइवा। ठीक है, और सेलाइवा मिक्स होने के बाद सेलाइवा का जो म्यूकस होता है वो जो मेस्टिकेशन से छोटे छोटे टुकड़े हुए उन सबको एक साथ चिपका कर एक बॉल जैसा बना देता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बॉलस। बॉलस की अलग से डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज बॉलस, तो यहां से लेकर यहां तक नॉट करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कहां तक करना है। ठीक है, तो बॉलस बन जाता है इंजेक्शन करने के बाद, फिर क्या होता है, मेस्टिकेशन होता है, सेलाइवा मिक्स होती है और फिर बॉलस बन जाता है। फिर ये बॉलस कहां ट्रांसफर होगा, बक्कल कैविटी के अगले पार्ट में जो कि क्या है, फेरिंग्स। फिर उससे अगले पार्ट में जो कि इसोफेगस, इसोफेगस में पेरिस्टेलेसिस मूवमेंट होंगे और उससे वो कहां चला जाएगा, स्टमक। यहां तक अपन इंजेक्शन में लिखेंगे। फिर अपन को लिखना है डाइजेशन। डाइजेशन में बेसिकली अपन को रिएक्शनें लिखनी है। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। सबसे पहले है डाइजेशन इन माउथ। तो डाइजेशन इन माउथ में अपन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या डाइजेशन किससे होता है, सेलाइवा से। मैंने सेलाइवा के नीचे आपको टाइलिन की एक रिएक्शन लिखवाई थी, वो आपको यहां पे नोट करनी है। ठीक है, मैं रिएक्शन वापस नोट नहीं कर रहा हूं, वहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी रिएक्शन है, कहां से नोट करनी है, आप नोट कर लेना। तो यहां टाइलिन की रिएक्शन नोट करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जाता है खाना कहां जाएगा, स्टमक से, मतलब माउथ से, फिर इसोफेगस, इसोफेगस से होता हुआ कहां जाएगा, स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कौन करेगा, गैस्ट्रिक जूस। उससे पहले क्या होगा, जो स्टमक जो होता है उसकी जो वॉल जो होती है वो मस्कुलर होती है, तो वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रेक्शन करती है। उस कॉन्ट्रेक्शन से एक तो क्या होता है, फूड की और क्या होती है, चर्निंग हो जाती है, मतलब और छोटे पार्टिकल में टूट जाता है
और साथ ही साथ में उसमें क्या मिक्स हो जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है वो मिक्स हो जाता है, और गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है। ये पूरा जो मिक्सर बनेगा अब उसे काइम कहेंगे। तो अगर काइम की डेफिनेशन पूछे तो यहां से लेकर यहां तक नोट करनी। इसके बाद अपन ने गैस्ट्रिक जूस में एक तो पेप्सिन की और एक रेनिन की दो रिएक्शन नोट की थी, वो दो रिएक्शन यहां नोट करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर खाना आगे जाएगा, आगे कहा जाएगा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में पहले तो अपन यहां लिखेंगे कि यहां डाइजेशन क्या होगा, मैक्सिमम डाइजेशन कहां परफॉर्म होता है ड्यूडेनम में। इसमें भी यहां पर भी दो जने डाइजेशन करते हैं, पहले अपन लिखेंगे डाइजेशन बाय बाइल जूस, जो कि कौन सिक्रेट करता है लीवर। बाइल जूस में अपन क्या एक रिएक्शन लिखनी है अपन को, वो फैट, फैट के ग्लोब्यूल्स बना देता है, बोलते इमल्सिफाइड फैट बना देता है, और ऊपर बाइल जूस, ठीक है, याद है आपको, वो वाली रिएक्शन लिखनी है। और फिर पैनक्रियाटिक जूस में आज जो चार रिएक्शन है लिखी थी, एक प्रोटीन की, एक कार्बोहाइड्रेट की, एक फैट की, और एक डीएनए आरएनए की, वो चार रिएक्शन नोट करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रिएक्शन एक के नीचे एक नोट करनी, ए बी सी डी लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि एक के आगे एक नोट कर दो, एक के नीचे एक नोट करनी। आप प्रिपेयर करना प्लीज, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, और ये जो भी बोलूं वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। आगे करते हैं, देखो देखते हैं अगला है डाइजेशन बाय जेजुनम। तो देखो डाइजेशन बाय जेजुनम जो होता है वो किससे होता है, इंटेस्टाइनल जूस से होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन से जो जूस आएगा वो क्या करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट फूड हुआ था जो अभी तक, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसमें अपन को इंटेस्टाइनल जूस के नीचे जो सात रिएक्शन थी वो सारी वन बाय वन एक के नीचे एक करके क्या करनी है, नोट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वैसे कोई डाइजेशन नहीं होता, जेजुनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन डाइजेस्ट होता है किससे, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उससे। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की देखो पहले मीनिंग देखते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स अभी तक डाइजेस्ट हो चुके हैं उन्हें इंटेस्टाइन से निकालकर ब्लड में डालने को क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब इसका मेजर पोर्शन जो होता है वो जेजुनम में होता है, और उसके बाद किसमें होता है, इलियम में। कुछ पोर्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, मिनरल एब्जॉर्ब होती है, और ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो बोले तो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें भी किसमें, जेजुनम में, फिर कुछ इलियम में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, मिनरल और ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन का मतलब बाहर निकालना। तो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होगा पहले तो उसे रेक्टम में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और फिर जब वो रेक्टम पूरी तरह से भर जाएगा तो एनस से होते हुए उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। लास्ट पार्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं उन्हें बॉडी की सारी सेल के पास में क्या कर देंगे, पहुंचा देंगे। फिर ये सेल क्या करेगी, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी डिफरेंट पर्पज के लिए, चाहे वो बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनानी हो, चाहे इम्यूनिटी बनानी हो, चाहे कोई स्पेसिफिक फंक्शन करना हो, चाहे एनर्जी प्रोड्यूस करनी हो, जो भी हो, ठीक है। इस तरीके से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, खुद बनाइए कॉपी में, खूब सारा मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए और खूब खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।